श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय बालाजी महाराज भक्तों, मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको योगी यशस्वी जी का अनुभव बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा अनुभव है। उनके गांव में 11 मुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होने वाली थी, हनुमान जयंती जो ये गई है इस जयंती वाले दिन, लेकिन जयंती वाले दिन स्थापित होती, लेकिन उससे पहले 11 दिन पहले से पूजा शुरू होती है, यज्ञ और हवन शुरू होते हैं। पंडित जी ने इनको बताया था, गुड़गांव से हैं ये, इन्होंने नाम बताने के लिए कहा था। तो इनका ये था कहना कि पंडित जी, वहाँ के पंडित जी ने बताया है 11 दिन पहले आ जाना और मूर्ति की स्थापना होगी और रोज़ यज्ञ और हवन होगा सुबह 4 बजे उठकर, जो कि 7-8 घंटे चलता है, और फिर हनुमान जयंती 11वें दिन थी तो 11वें दिन वो स्थापित होगी मूर्ति। तो और इनका ये मानना था, ये सोचना था, ये कहना था कि मैं ही हनुमान जी को सिंदूर लगाऊंगा सबसे पहले और मैं ही स्नान कराऊंगा। वैसे तो उन्होंने बताया कि हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अच्छी का मतलब कि स्टेटस वाइज अच्छी, लेकिन भक्ति इतनी अच्छी इनके अंदर, ये नहीं कि हम पे रुपया पैसा है तो भगवान की कोई जरूरत नहीं है, भक्ति भाव कितना अच्छा है इनका। 18 दिन पहले गांव से फ़ोन आ जाता है कि आप आ जाना, अब ये कहते हैं 18 दिन पहले जाके क्या करेंगे हम, काम तो 11 दिन पहले का है ना, वहाँ AC भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये चले जाते हैं। और चले जाते हैं तो 18 दिन पहले ही पहुँच कर वहाँ पर अपना सेटलमेंट सामान वामान सब लेके चले जाते हैं, पहुँचते हैं, सामान वामान सेटअप करते हैं। मंदिर रोज़ 4 बजे पहुँचना होता है यज्ञ हवन शुरू होने के लिए, रोज जाते थे, बाइक निकाली, नहाए धोए, 3 बजे नहाए धोए, बाइक निकाली, पहुँच गए। मन का भक्ति भाव देखिए, 11 दिन पहले से ही जाना शुरू कर दिया रोज हनुमान जी के लिए, कि हनुमान जी के दर्शन करने जाऊँगा, समझ रहे हो, ऐसा रोज जाते थे, रोज हवन में बैठते थे, सेवा करते थे, हाँ ठीक है बैठे हैं, अपन तरीके से नहा धो के जाते थे। लेकिन गांव वालों को चिढ़ होती थी कि पैसे वाला है, यही करेगा सब कुछ है, ये है वो है, इस तरह से होता है, एक दो लोग ही आते थे और ये आते थे बस, लेकिन ये रोज जाते थे। भगवान को भक्ति भाव से मतलब होता है, गरीब और अमीर से मतलब नहीं होता है। भगवान सिर्फ गरीब के या सिर्फ अमीर के नहीं है, भक्ति भाव वाले के हैं। जिसके पास भक्ति भाव होगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास हो, भगवान उसके हैं। तो सपने में भी ये देखते रहते थे, इनके हाथ चलते रहते थे जैसे मैं हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगा रहा हूँ। पंडित जी ने बोला ऐसे ऐसे आपको रोज़ सुबह आना है 4 बजे मंदिर में, बाइक उठाकर रोज़ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाते थे, नहा धो के पूजा पाठ ये सब कराना सेवा कराना। और एक समय ऐसा आया 11वां दिन, उससे 3 दिन पहले इनको स्वप्न में क्या दिखता, स्वप्न में तो खैर रोज़ इनको दिखता था कि बाइक पे कपड़ा किसने मारा, और इनको बाकी घर में किसी को पता नहीं चलता था, ये खुद ही बाइक उठा कर चले जाते थे सुबह 4 बजे 3 बजे। भाई पूछते थे बाइक पे कपड़ा किसने मारा, तो ये कुछ नहीं बोलते, लेकिन हाँ सपने में ये देखते थे कि मैं सिंदूर लगा रहा हूँ हनुमान जी को। हनुमान जी से विनती है कि प्रभु मैं आपको सिंदूर लगाना चाहता हूँ, पहली मूर्ति को आपकी जो मूर्ति है इसको सिंदूर लगाना चाहता हूँ और स्नान कराना चाहता हूँ, अभिषेक कराना चाहता हूँ, तभी स्थापित होना आप। ऐसे ही विनती करके रोज़ जाते थे। 11वें दिन यानी हनुमान जयंती थे, 3 दिन पहले 4 दिन पहले इनको अनुभव हुआ कि स्वप्न में सोए हुए हैं, और सोए हुए इनसे कोई कहता है कि चलो बेटा हनुमान जी को सिंदूर लगाना है, और उस गुफा में हनुमान जी चलते हैं कि बोलते हैं मुझे हनुमान जी से मिलना है, तो वो गुफा जो सामने दिख रही है उसमें हनुमान जी है। तो ये जाते हैं गुफा में, डरते तो हैं लेकिन जाते भी हैं, गुफा में पहुँचते हैं, एंट्री करते हैं, और ऐसी गुफा है कि ये कहते हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता ऐसी गुफा है वो। और अंदर जाते हैं तो एक बड़ा हॉल सा दिखता है, उस हॉल में 10-15 के आसपास वाइट कुर्ता पजामा पहन करके दूत महाराज टहल रहे हैं दरवाजे पर, जिसके अंदर हनुमान जी हैं। और दूत महाराज का चेहरा कैसा, चेहरा बिल्कुल ऑरेंज है, कौन सा, जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है ना वो सिंदूर के चेहरे पे लगा हुआ पूरे, और वाइट कुर्ता पजामा में टहल रहे हैं। पूछते हैं हनुमान जी कहाँ हैं, वो बोलते हैं वहाँ हैं। तो जैसे ही वो जाते हैं तो हनुमान जी ऐसे नहीं कि बहुत तगड़े लंबे तगड़े, इनको नॉर्मल रूप में दिखाई दे, 6 फुट हाइट होगी, नॉर्मल कलर हमारे तुम्हारे जैसा, नॉर्मल तरीके से सिंपल बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं।
नहीं किया, सब पहलवान ये बोल नॉर्मल दिखाई दिया हनुमान जी, और राम जी की सीता माता की लक्ष्मण भैया की सेवा कर रहे हैं, और ये देखते हैं उनको सेवा करते हुए, और पता नहीं इनको क्या होता है, इनके पंख लग जाते हैं क्या होता है, अपने आप उड़ के हनुमान जी के चरणों में पहुँच जाते हैं। हनुमान जी थोड़ा सा ऊपर होते हैं, वो पहुँच जाते हैं तो हनुमान जी इनसे ऐसे करते हैं, और कैसा है भाई, ऐसे हाथ मार के आ गया। हनुमान जी बात कर रहे होते हैं लेकिन आंखों में आंखें डाल कर रो रहे होते हैं, प्रभु बजरंग बली अपनी शरण में ले लिया, लेकिन हनुमान जी का सिंदूर लगा होता पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे, वही वाला सिंदूर जो ऑरेंज कलर का होता। ये देखते हैं स्वप्न में, आ गया बेटा, आशीर्वाद देते हैं। ये देखते हैं उन्होंने ये फ़ोटो भी भेजे कि कुछ कुछ इस तरीके के दिखे मुझे हनुमान जी, कुछ कुछ इस तरीके के, वो फ़ोटो भी शायद मैं कोशिश करूँगा डाल दूँगा कम्युनिटी में, डाल दूँगा फ़ोटो, इनके वीडियो डालूँगा ना उसके लिंक का ऐड करके। तो इन्होंने ये बताया कि इस तरीके से देखा और फिर इनकी आँख खुल गई। और जब 11वां दिन था, यानी कि हनुमान जयंती का जो दिन था, उस दिन तक करीब 1500 से 2000 लोग वहाँ थे मंदिर में, लेकिन बजरंग बली की ऐसी कृपा रही कि सबसे पहले इन्हीं को सिंदूर लगाने का और स्नान कराने का मौका मिला, भोग लगाने का मौका मिला हनुमान जयंती। इतने लोग थे लेकिन कोई नहीं कर पाया, किसी के हाथ से वो काम होना ही नहीं था, वो हाँ वो काम होना था हनुमान जी के भक्त के हाथ से, जो कि ये हैं योगी यशस्वी जी, इन्होंने जो बताया हमें अनुभव, ये अनुभव है। इन्होंने वो 11 मुखी हनुमान जी की फ़ोटो भी भेजी है, वो मैं फ़ोटो भी कम्युनिटी में डालूंगा ताकि आप सब देख सकें, और लिंक डालूंगा इस वीडियो का, जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ कितना अच्छा। और उन्होंने ये भी बताया, इन्होंने उस समय 4-5 फ़ोटो ली, 4-5 फ़ोटो में से एक फ़ोटो हनुमान जी की, तो 11 मुखी हनुमान जी की मूर्ति थी, उसमें तो मूर्ति गायब हो गई है, पता नहीं कैसे, चमत्कार एक तरह का ये बताते हैं कि उसमें सिर्फ चंदा तारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ग्रह नज़र आ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की 11 मुखी की मूर्ति नज़र नहीं आ रही, वो मूर्ति गायब हो गई फ़ोटो में से, रियल में है वो। तो ये इनका अनुभव था, इन्होंने बताया कि वो अभिषेक करने के बाद और सिंदूर उनको लगाने के बाद इनके हाथ की उंगली के नखून में हनुमान जी की तस्वीर छप गई। तो ये बताते हैं कि कोई अनुभव हुआ है या ऐसा, अब हमें एक अनुभूति होने वाली है कि हमें सिद्धि मिलने वाली है, बजरंग बली की कृपा बहुत तगड़ी मिलने वाली है। और इन्होंने कहा है मैं चाहता हूँ मैं इंडिया का, कम से कम इंडिया का या फिर उत्तराखंड का सबसे बड़ा हनुमान जी का 11 मुखी हनुमान जी का मंदिर बनवाऊँ, अगर मैं कर पाया तो मेरा अहोभाग्य होगा। तो ये हैं जिन्होंने हमें अनुभव लिख के भेजा है, ये अनुभव आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत बड़े से बड़े और बड़े से बड़े से बड़े अनुभव आए जा रहे हैं और हम डाले जा रहे हैं अपने चैनल पे, ताकि आप सबकी भक्ति बढ़े, भाव बढ़े, आप गलत कामों को छोड़ दें, सही रास्ते पर आ जाएँ, ज़िंदगी आपकी सुधर जाए। ये अनुभव आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।